हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, पुलिस वाले को लेकर लोगों का परसेप्शन है कि बहुत मोटी रकम कमाते हैं, अंडर द टेबल कमाते हैं, बहुत बड़ा परसेप्शन चल रहा है। मगर जब आप उनके घरों को देखोगे, जब आप उनके जो औरतें हैं, जो फैमिली रहती है, वो एक भय, एक दहशत में रहती है, क्योंकि अंदर के उनके घर की जो हालात है, खास्ता हालात हैं, जो जो घर की खास्ता हालात हैं, वो आप देख के दंग रह जाएंगे। आपको पता चलेगा कि एक आम पुलिस वाले जो हमारी सेवा करते हैं, जो हमारे लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं, उनकी फैमिली कितनी दहशत में रहती है, कभी भी उनके घर गिरने का डर रहता है। और ये मुंबई में एक नहीं, सारे पुलिस चौल का हाल है। आज हमें यहाँ पर मांडवी पुलिस चौल में इन लोगों ने के यहाँ पर काम हुआ है, PWD डिपार्टमेंट का काम हुआ है। काम होने के बाद जो है पुलिस वाले के घर वाले लोग ने शिकायत किया, यहाँ पर आमदार अमीन पटेल जी को बुलाया हुआ है और बताया है कॉन्ट्रैक्टर ने किस तरह से काम किया। बात करते हैं अमीन पटेल जी से। अमीन जी, क्या शिकायत है इनकी? ये बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा जर्जर हालत में थी, बहुत ही डेलिबरेट कंडीशन में थी। जो उस वक्त के जॉइंट पुलिस कमिश्नर जो थे नवल बजाज साहब एडमिनिस्ट्रेशन में, वो भी यहाँ पर आए थे। फंड्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से इन लोगों को शिफ्ट होने की यहाँ से बात की जा रही थी, मगर कोविड के अंदर कुछ फंड्स अवेलेबल था, 35 लाख एक बिल्डिंग का, 38 लाख एक बिल्डिंग का कुछ ऐसा फंड अवेलेबल था, उसे काम शुरू किया गया। काम होने के बाद में हमारी जो ऑफिसर्स की जो वाइफ है, उन्होंने मुझको आकर मिला, यहाँ के लोग यहाँ मुझको आकर मिले और उन्होंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, वो काम सही नहीं किया हुआ है जी। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को और जो PWD के ऑफिसर राव है, उनको यहाँ पर बुलाया, राव साहब है, उनको यहाँ पर बुलाया मैंने, उनको मैंने यहाँ पर बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर से बातचीत की जी। जो जो वर्क ऑर्डर के अंदर काम लिखा हुआ है वो सही तरह से होना चाहिए, और अगर वर्क ऑर्डर से ज़्यादा भी अगर कुछ काम हो गया है, यानी है काम तो उससे ज़्यादा है, क्योंकि 30-35 लाख में पूरी बिल्डिंगों का काम होने वाला नहीं है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है। तो राव ने मुझको आज इस जगह पे इस बात का आश्वासन दिया है कि जो रह गया है काम, जो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी थी, जो कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उस काम को तो रेक्टिफाई करा के लेंगे। राव यहाँ पर बैठेंगे, जो भी हमारी बहनें हैं उनके साथ में बैठ करके आने वाले दिनों में जो जो काम हुआ है उसको सही करने के लिए, रेक्टिफिकेशन करने का काम तो मैंने उनको ऑर्डर दे दिए, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर उसके अलावा भी जो काम है, तकरीबन 1.5 करोड़ रुपये का काम बाकी रहता है, तो अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में नया साल का जो बजट आएगा उसके अंदर एक काम को प्रायोरिटी में डाल करके इस काम को शुरू करने के लिए मैंने उनसे कहा है। उन्होंने मुझको प्रॉमिस किया है कि अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर, बराबर आऊँ कि अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक वाक में नए बजट के अंदर इस दोनों बिल्डिंग को लेकर के इस काम को पूरा किया जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि गवर्नमेंट पैसे अलॉट करती है और आमदार साहब को आगे इंटरवेन करना पड़ता है? क्या पब्लिक PWD डिपार्टमेंट जो है इतना सक्षम नहीं है कि वो खुद ही इस पर ऑपरेट करे? एक आमदार को इंटरवेन करना पड़ता है काम के लिए, पैसे तो देने में पैसे पहले चले जाते हैं। नहीं, इसमें इसीलिए मैं खुद आया, जब पुलिस की बहनें ने और ऑफिसर्स ने मुझको ये बताया कि जो अमाउंट एलोकेट हुआ है उसका काम सही नहीं हुआ है जी, तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ कि वो देखने के लिए, जो भी पैसा था कम होने दो, मगर अगर वो पैसा गवर्नमेंट खर्चा करती है तो कॉन्ट्रैक्टर को सही काम करना चाहिए और PWD के इंजीनियर को वो सही काम करा के लेना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर काम उसके हिसाब से हो जाएगा, मगर कुछ एक्सेस भी काम है तो आने वाले दिनों में बजट अवेलेबल होगा उसमें हम कर लेंगे। अब क्या होता है कि जैसे आपने आप उंगली का ऑपरेशन कराया आपने, अब अगर उंगली का ऑपरेशन कराने के लिए उसके आजू बाजू में भी तकलीफ है तो उसका इलाज आज ही करना पड़ेगा ना, तो वो आज ही करना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि पहले इसका कराए उसका बाद में कराएंगे। तो जो आजू बाजू में घर है, अभी हमारी बहन का घर है, इसके अंदर मैंने देखा कि कभी जो लूज प्लास्टर है वो गिर जाएगा कभी भी। अमीन भाई, हम यहाँ पर 2014 में आए थे, हमारे साथ TV9 थी और उस वक्त ये किया हुआ है, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले। तो क्यों होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो एक समाज की सेवा के लिए रहता है, समाज की सिक्योरिटी गार्ड के लिए रहता है, उनके घर वालों के इतनी शिद्दत का सामना करना पड़ता है? दूसरी बात, एक और दूसरा सवाल एक और कर देता हूँ मैं आपको कि इतनी बड़ी जगह है यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर, तो क्यों इसको डेवलपमेंट नहीं किया जाता है? कि जैसे आप पुलिस बिल्डिंग देख लो, CP साहब ने तो अपना अच्छा खासा बना लिया है, तो क्यों वो चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होती है? इसे क्या है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं यहाँ ही रहना चाहते हैं, यहाँ से दूर जाना नहीं चाहते हैं। आजू बाजू में नए पुलिस घर अलॉटमेंट होने वाले हैं, जॉइंट CP नवल बजाज साहब ने यही कहा था कि इनको यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जाए, मगर कोविड के अंदर शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं थी, वो अलॉटमेंट हो नहीं पाए, तो इसलिए इसका रिडेवलपमेंट होगा, पक्का होगा।
100% रिडेवलपमेंट होगा, नई बिल्डिंग बनेगी उसमें कोई दो राय नहीं, मगर उसके लिए वक्त लगेगा। तो टेम्प्रेरी इस बिल्डिंग को 2-5 साल जितना भी ये बिल्डिंग यहाँ पर अपनी जगह पे खड़ी है, इनको नए अलॉटमेंट नहीं हो जाते जब तक इनको लीवेबल, कि किसी के सर पे प्लास्टर गिर रहा है, अब हम लोग यहाँ खड़े ऊपर से खिड़की गिरेगी तो आपको भी लग सकती है, मेरे को भी लग सकती है ना, हमको चलेगा, आप तो अंदर है सर, हमारे को चलेगा। नहीं नहीं, तो उसके लिए जो है हम तो इनके साथ है, नहीं हम भी इनके साथ नहीं, आप आपसे पहला मैं यहाँ पहुँचा हूँ ना, आप मेरे बाद में, मैंने आपको पहुँचवाया, मैंने आपने नहीं पहुँचाए, ये लोग मेरे पास आए और 3 दिन के अंदर मुझको उन्होंने बताया, मैं 3 दिन मंडे का दिन लेके ऐसे ही नहीं खाली चक्कर मार के जाने के लिए आया, कंसर्न PWD के ऑफिसर को बुला के, कंसर्न कॉन्ट्रेक्टर को बुला के, और इनको बोला गया है कि जो काम तुमने किया है वर्क ऑर्डर लेके बैठी और वो काम लोगों को बताया कि हमने ये काम किया बराबर नहीं है तो उसको रेक्टिफाई कीजिए। सर क्या लगता है आपको, अंदर से आपने विजिट किया है, लोगों ने शिकायत की, काम आपने इंस्पेक्ट किया है, क्या लगता है आपको फॉल्ट है इसकी कॉन्ट्रेक्टर? फॉल्ट नहीं है, क्या रहता है थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता है, हम हमारी चीज़ कभी इनको डायरेक्ट नहीं समझ में आती, हमारी बहनों को मराठीत बोला ना, क्या प्रॉब्लम है, असं काही नाही, डायरेक्ट त्याला त्याला मराठीला बोला, अगर त्याला समजू नाही येत गैर समजू होतात, परत आपल्याला आता जो कमी फंड आहे त्यांना नाही कळत, त्या गृहिणी आहेत, बात यहाँ पर हो रही है एक काम का पैसा लेने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट ऐकून घ्या कि ये बिल्डिंग का प्लास्टर करना है, ये बिल्डिंग का फाउंडेशन लगाना है, उसका पैसा अलॉट होता है, तो काम नहीं होता है तो उसमें कम्युनिकेशन गैप कहाँ से हो गया, ये तो कॉन्ट्रैक्टर आएगा अपना बनाएगा चले जाएगा, नहीं काय फंड कमी है, आता मैं त्यांना सांगून पटत नाही, फंड कमी है, फंड त्यांना कम पटत नाही, यानी आदमी अगर नंगा खड़ा है तो आप खाली ऊपर कभी पहले उसको चड्डी दो, बाद में टी शर्ट दो, बाद में पैंट दो, जब तक वो एक्सपोज रहेगा। असल में क्या है कि ये बिल्डिंग डिमोलिशन करने की बात थी, उनको शिफ्ट करने की बात थी, फंड्स नहीं है, तो इसीलिए इस साल में आज फरवरी की 1 तारीख को हम आए, 2 महीने के अंदर नया फंड पास होने वाला नहीं है, अप्रैल के 1st वीक में नया साल में राव का कमिटमेंट है एज ए PWD डिपार्टमेंट कि अप्रैल के 15 तारीख तक हम इसका जो मेजर काम है इसको हम लेंगे। अब राव बोल रहे हैं वो इंदुलकर जो इनके ऑफिसर है, जो सीनियर ऑफिसर है, उनसे भी मैं बात करूँगा और अप्रैल के 1st-2nd वीक में मेजर काम यहाँ पे लिया जाएगा, ऐसा PWD का कहना है और मेरा काम है कि PWD से फॉलो अप करके इनका काम करवा के देना। जी बहुत बहुत शुक्रिया करें, बात करें साथ, ये PWD कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने पुलिस चाल बनाने का ये लिया है, क्या शिकायत है भाई, आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आता फंड आए हिंदी बोला फंड है, अभी सिर्फ 25 लाख रुपए फंड है, उसके अंदर अपन ने फिर भी 70 कौन सा काम 25 लाख का काम है, नहीं नहीं ओवरऑल काम कितने, ओवरऑल काम ओवरऑल काम 1 करोड़ के ऊपर था, लेकिन अभी जो वर्क ऑर्डर बनी हुई है उसका 25 लाख तो अभी अपन ने, यानी देखिए आप ये बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग में यहाँ पर 1 करोड़ के ऊपर का काम है मगर सिर्फ 25 लाख अलॉट हो गया, तो कॉन्ट्रैक्टर भी मरता क्या नहीं करता, वो भी क्या करेगा, सही बात है ना। जी जी जी, मगर ऐसे में क्या होता है कि पब्लिक को लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर खा गया होगा, 25 लाख के काम में कितना काम होता है आपको भी मालूम है, आपको मालूम है ना सर, अभी इसके अंदर भी हमने एडवांस काम किया है, जो हमारा वर्क ऑर्डर में स्कोप नहीं था उससे और भी काम करा हुआ, जैसे तकरीबन जैसा लग रहा है, देखो देखिए ये एडवांस हुआ है सब काम, ये पीछे ये इसका ये नहीं था, ये काम इसका अलॉटमेंट नहीं था, लेकिन अभी है ही नहीं पैसा जितना उससे ये हो गया, मगर 25 लाख का काम दिया तो उसमें भी 10 ही लाख का काम होता होगा, बाकी सब तो अरे सर पूरा सब जगह पता है कैसे काम होता है क्या नहीं होता है, नहीं हम तो अभी तो पूरा इसमें हो गए, खत्म हो गया अभी काम में, क्यों अभी आमदार साहब ने बताया कि फंड देंगे तो कल मैं जो रहेगा कर देगा, रेक्टिफाई कर देगा, जरा थोड़ा ईमानदारी से करो भाई काम, करेंगे क्योंकि क्या है पुलिस वाले की फैमिली है, पुलिस वाले वो है जो हमारे पूरे मुंबई को संभालते हैं, उनकी फैमिली सेफ नहीं तो हम कहाँ से सेफ रहेंगे, जी 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 समझे, आपको भी तकलीफ होती तो पुलिस ही आती है ना, पुलिस तो थोड़ा जरा अच्छे दिल से काम कीजिए, तो ये आपका नाम क्या है सर, विकास, विकास भाई कौन सा कॉन्ट्रैक्टर, विकास लोंडे करके नाम, कंपनी कंपनी का नाम वही है हमारा मेसर, तो दोस्तों देखिए कॉन्ट्रैक्टर का भी ये है कहना है कि 1.5 करोड़ के काम में 25 लाख रुपये अलॉट किया गया, और आप समझते हैं 25 लाख जब अलॉट हुआ तो उसमें हाथ में मुद्दल कितना पैसा आएगा वो आप समझ सकते हो, वो बता नहीं रहे तो कितने का काम होगा, यानी एक थूक पट्टी का काम जो है गवर्नमेंट जो है पुलिस वाले की वाइफ घर वाले के लिए एक थूक पट्टी का काम जो है लगा के छोड़ देते हैं। बात करते हैं कुछ टेनेंट्स हैं जी, क्या तकलीफ है आपको? सर हम लोग यहाँ पर रहते हैं, मेरे 4th फ्लोर पर रूम है, टेरिस रूम है, इतना लीकेज है, बारिश में इतना पानी आता है कि ऊपर की पूरी जो वॉल है सब गिर रही है, तभी भी कोई किसी ने हेल्प नहीं किया हम लोगों को, हम लोग ने आकर बहुत बार चौकी में कंप्लेंट किए, कोई आया नहीं, हाँ ठीक है अब ये कॉन्ट्रैक्टर भाई आए हैं, इनके पास भी हम काफ़ी बार आए हैं,
इन्हें मुझे सिर्फ यही बोले कि हाँ बहन हो जाएगा लेकिन कुछ नहीं। मेरे घर की हालत आप आकर देखो, बेडरूम का सीलिंग गिर गया है, वॉशरूम के पूरा ऊपर से मट्टी गिरती रहती है। आपके हस्बैंड पुलिस डिपार्टमेंट में है? जी हाँ। तो वो फोर्थ फ्लोर पे इतना वर्स्ट हो गया है मेरा घर, मेरे साथ में छोटे बच्चे, अगर कोई कुछ गिर गया तो कौन उसका जिम्मेदार है? इतनी बुरी कंडीशन साल से ये प्रॉब्लम का है। अब हम यहाँ आए, हमको आकर 4 साल हो गए, 4 साल से हम ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं लेकिन कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। और अब ये आए हैं तो ये भी हमसे यही बोल रहे हैं कि हो जाएगा लेकिन दूसरों का बन गया, मेरे घर में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ जी। तो ये क्यों आधा काम हो गया आधा काम नहीं हो गया? कोई आधा करके निकल जाता है दूसरे बिल्डिंग में करते हैं। उसको तो पाव पैसा मिला है, 1 करोड़ के बदले 25 लाख मिला है, तो पूरा दिया ऐसा सुने और अभी बोलते पाव मिला है। आपके सामने उन्होंने कहा कि 1 करोड़ का पूरी बिल्डिंग में काम है, लेकिन फिर तुम आलो। आपको लगता नहीं गवर्नमेंट को पैसा बढ़ाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए? अगर भाई हमारा ये बोलना है कि जब आपको पता है कि हमारे पास इतना अमाउंट है तो आप इतने अमाउंट में जिसके लिए ज्यादा जो मतलब खतरनाक है वो आप पहला करो ना। क्यों आपने सबका जो छोड़ते दिया? हमारे घर का कुछ भी नहीं बना है क्योंकि हम शांत है, हम कुछ नहीं बोले, हम कभी आए नहीं नीचे, ना मेरे हस्बैंड आए ना मैं आई। मैं बोली हाँ ठीक है बन जाएगा, हमारा भी बन जाएगा, लेकिन हमारा कुछ नहीं बना। आप अभी चलिए मेरे घर के हालात देखिए, वॉशरूम में बैठे तो ऐसा लगता है अभी कुछ गिर जाएगा। बच्चे जाते बोले मम्मा आंख में मट्टी जा रही है, इतनी खतरनाक हालात है। सही से नहीं किया हुआ है कोई, किधर किया है किधर नहीं है, और बोलेंगे तो बोलते पैसा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, अरे करो तो पूरा करके दो या तो मत दो ना। ऐसे ही पूरे एक रूम का तो कुछ भी कर ही नहीं सही से काम, जिधर देखो उधर तुम्हारे को टूटा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा है ये सही से काम नहीं कर रहे, तो कोई बिल्डिंग का काम सही नहीं हो रहा है। क्या कहा आमदार जी ने अभी? अभी वो मुझे बोले हैं कि आपका घर का काम मंडे से स्टार्ट करूंगा करके, तो मुझे ये बोलना है कि मतलब एक्शन लेंगे तो आप कुछ करोगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं एक्शन लेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। ऐसा हाल है अपने डिपार्टमेंट वालों का, ऐसा हाल हो गया है कि विदाउट एक्शन दे वोंट हेल्प अस एनीथिंग। और बार बार लेडीज और पुलिस स्टेशन भागेगी, बार बार क्या वो नीचे आकर उनके सामने खड़े रहेगी, ये अच्छा लगेगा क्या? एक बार बोले तो करना चाहिए ना, करते ही नहीं है बार बार लेडीज। कौन नहीं करता? आमदार जी नहीं करते? यहाँ जिनको यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना, ग्राउंड फ्लोर का लोग ने बिल्कुल भी नहीं बनाया, हम लोग का ना पूरा सीलिंग टूटा हुआ है। मैं अभी बता भी सकती हूँ आपको, नीचे सो भी नहीं सकते ऐसा हो गया है वो, और वो गिरता रहता है नीचे, खाना भी खाएंगे तो गिरता रहता है। वहाँ डाइनिंग टेबल था वो भी हटा दिया हम लोग ने, तो वो लोग बनाने को ही तैयार नहीं। उन लोग ने हम लोग को बोले कि वो लोग बनाएंगे, बोले हम लोग ऊपर से आएंगे तो हम लोग बना देंगे नीचे का। और अभी उन लोग हम लोग को बोलते हैं कि जिसको चाहे नहीं पैसा खत्म हुआ ऐसा भी नहीं बोले कभी, मतलब ऐसा सही से भी बोल सकते ना वो लोग ना एकदम वो करते हैं, बोलते हैं काम बंद कर दिए नहीं अभी नहीं हो सकता तुम्हारा काम, जाओ आप लोग पुलिस स्टेशन जाओ उधर देखो ये कंप्लेंट करो। अरे कितने बार जाना है इंसान, क्या करें? बोलते कि जाओ और कंप्लेंट करो, यहाँ पे हम लोग को परमिशन ही नहीं है नीचे का करने की, ऐसा बोले उन्होंने बार बार के। अभी आमदार जी आए कुछ आपको ऐसा आश्वासन लग रहा है कि वही क्या है? नहीं आमदार जी है कुछ आश्वासन लगा कि वही मतलब आए और चले गए? पटेल सर ने हम लोगों की फेवर में बहुत बोले, थैंक यू फॉर आमिन पटेल फॉर कमिंग ईयर। और हम लोगों को तो काम होने के बाद बोलो मैडम। नहीं नहीं फिर भी वो इतने बिजी शेड्यूल में से हम लोगों के लिए वक्त निकाले, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो आए। और अब देखिए अब क्या होता है, काम होने से पहले थैंक यू बोलेंगे तो काम भी नहीं होगा। नहीं एक बार आए थे ना वो आमिन पटेल एक बार, लेकिन जब भी नहीं हुआ, अब आए आप देखो हो गए तो अच्छी बात है, तो उनका तो शुक्रिया करेंगे हम लोग, लेकिन अभी होना चाहिए बस आप लोग है ना। हम लोग मेरा वही है। कितने साल से रहते हो आप? 4 साल से। 4 ही साल? तो 4 साल से पूरा चेंज हुआ है क्या? नहीं, चेंज नहीं हो गया। 4 साल से ऐसे ही है? हाँ ऐसे ही है। बोला ना चलो 50 साहब आके बोले सब, उनका काम हो गया है ना, क्या बोलेंगे वो प्लीज। अब 4 साल से ही हम लोग है, हमारा भी कोई काम नहीं हुआ है ऐसा। तो यानी जिनका काम हो गया वो चुप बैठे हैं, जिनका काम नहीं हुआ वो है। कॉन्ट्रेक्टर कहना है कि 1 करोड़ के ऊपर का काम है, गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए दिए, 25 लाख में भी कितने का काम होता है ये हर एक आदमी को मालूम है कि 25 लाख रुपए अगर जब अलॉट होता है तो एक्चुअल काम कितने का होता है ये सबको पता है। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, PW डिपार्टमेंट मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट है कि जो पुलिस वाले हैं उनके भी बॉडीगार्ड जो है पुलिस वाले ही रहते हैं, उनके घर वाले को संभालने के लिए पुलिस वाले थे, तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए और इनके भी जो है घर दुरुस्त और तंदुरुस्त और दुरुस्त रहने चाहिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।